हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कैमरे में बंद अपाहिज पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी समरी आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। इस कविता में मीडिया के बारे में बताया गया है कि उन्हें मनुष्यों की तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, ताकि इन प्रश्नों से विकलांग घबरा जाए और उसे रुलाने की कोशिश करते हैं। इस कविता में प्रश्नकर्ता विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए, क्योंकि समय नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को मैं अब इस पाठ का व्याख्या भी कर देता हूँ। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 23 देखिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे से लेकर जल्दी बताए बताइए वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा से लेकर वहाँ तक देखिए। मैं आप लोगों को इसका व्याख्या करके बता रहा हूँ। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अपाहिज हैं? यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले के निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होती है पढ़ाई में, या कोई भी दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड, या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर बात बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आइए सेकंड सेकंड देखते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए सेकंड देखते हैं। तो इसकी भी मैं व्याख्या कर देता हूँ। आप लोग पेज नंबर देखिए, 23 से 24 के बीच है। सोचिए बताइए से लेकर इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है। मीडिया के लोग बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, तथा इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। तीसरा है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे से लेकर आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, उसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फुलुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके ओठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। वह दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहता है। वह दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करता है। तभी वह निर्देश देता है कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पुनः व्यक्त ना कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही वे मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि आप हम दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।